हाय एवरीवन, हम बात कर रहे हैं आईएएस के लिए इकोनॉमिक्स की। और यह विषय आईएएस की एग्ज़ाम में ही नहीं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। पर मैं आपको कई चीज़ें ऐसी बता दूं कि कुछ ऐसी एग्ज़ाम हैं जहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडर CAPF के लिए, तो मैं कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है उस एग्ज़ाम में भी। अगर आप CDS और NDA की तैयारी कर रहे हैं या कोई PCS की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों से जब से पैटर्न बदला है, इस विषय पर कई नई चीज़ों का समावेश मिला है, या हम कहें कि कई नई चीज़ें अब इस विषय में जुड़ चुकी हैं। हो सकता था कि पहले वह केवल इकोनॉमिकल होता था, अब मुझे लगता है कि अब उसका जो बहुत सारा हिस्सा है वो ह्यूमन इकोनॉमिकल हो चुका है, सोशल इकोनॉमिकल हो चुका है या जियो इकोनॉमिकल हो चुका है। अब वो इकोनॉमिक्स डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहकर कई विषयों से लिंक बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं अगर आपको इकोनॉमिक्स के लिए प्रेफर करूं तो आइए हम देखते हैं कि अगर आप इस वीडियोस को या इन कोर्स को परचेस करते हैं तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स क्या क्या मिलेगा, किस तरीके का इकोनॉमिक्स वो रहेगा। अगर हम बात करें तो इसमें सिलेबस में मैंने इकोनॉमिक्स इस तरीके से तैयार करने की कोशिश की है कि आईएएस में PT कम मेंस, मतलब हमें PT और मेंस के लिए अलग अलग न पढ़ना पड़े। मोस्ट इकोनॉमिक्स PT और मेंस में लगभग सेम है, केवल 4 या 5 टॉपिक ऐसे होंगे जिन्हें मैं कह सकता हूं कि वो मेंस में है लेकिन वो PT में नहीं होंगे, या वो PT में है या वो मेंस में नहीं होंगे। लेकिन एक कंप्लीट तैयारी की अगर मैं बात करूं तो ऐसी तैयारी करिए जिसमें PT का मेंस एक साथ कवर हो जाए, ताकि फैक्ट और कंसेप्ट दोनों हाथ में आ जाए। जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह कोशिश की गई है कि कंप्लीट उनका मटेरियल इसमें कवर हो जाए। अगर मैं इस सिलेबस की बात करूं तो अगर आप इस वीडियोस को परचेस करेंगे तो आपको उसमें इंडेक्स तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें मोस्टली 5 सेगमेंट की तैयारी है। सबसे बड़ा सेगमेंट हम इसमें जो तैयारी करेंगे वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम इसमें तैयारी करेंगे बैंकिंग और वित्तीय समावेशन, इन दोनों ही टॉपिकों को PT और मेंस के नजरिए से कंप्लीट तैयार करके रखा गया है। इसमें अगर आप कंप्लीट कवर कर लेते हैं तो इससे बियॉन्ड वर्तमान में अभी कोई ट्रेंड नहीं है। केवल आपको अपने डाटा अपडेट करने पड़ेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डाटा अपडेट करेंगे आप, पर कंसेप्ट वही है जो उसमें मेंशन किया जा रहा है। दूसरा, इसमें जो सेकंड पोर्शन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद होगा वो होगी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एंड बजट की कंप्लीट बात के साथ टैक्सेस। फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति, किस तरीके से बजट होगा, क्या क्या बजट के टाइप होते हैं, बजट कैसे बनता है, क्या उसकी प्रोसेस है, और फिर टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स कितने टाइप के थे। पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत टाइप के थे लेकिन अब केवल टारगेट GST है, तो GST पर एक कंप्लीट स्टडी कि GST क्या है, किस प्रकार से वर्क करेगा, क्या इसमें टैक्स स्लैब है, उन सारी बातों पर इसमें चर्चाएं हैं। तीसरा जो हमारा टारगेट रहेगा वो है वर्ल्ड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारा तीसरा टारगेट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या हाल फिलहाल में वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन हैं या आर्थिक संस्थाएं हैं उनका क्या रोल है, और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके की बातचीत होती है, हम इस पर चर्चा करते हैं। जो हमारा इसमें चौथा पार्ट आपको मिलेगा वीडियोस में वो रहेंगे वो टॉपिक जो PT और मेंस में आ सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन महंगाई, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, या हम बात करें तो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट पावर्टी, ये PT और मेंस दोनों के लिए ही सवाल का मटेरियल है क्योंकि यह सोशल इकोनॉमिकल पार्ट में मैं मानता हूं। और लास्ट में हम देखेंगे सेक्टर वाइज स्टडी
कि भारत में प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, टर्शरी सेक्टर का मतलब क्या होता है और भारत में एग्रीकल्चर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो एग्रीकल्चर को कंप्लीटली इसमें स्टडी किया गया है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज को स्टडी किया जाएगा और टर्शरी में सर्विस इस सेक्टर को डाला गया है। पांच ही टॉपिकों में हम इस पूरे इकोनॉमिक्स को कवर करते हैं। मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अगर तैयारी करना चाहे तो आपको ये क्लियर हो कि हमें किस तरीके से इन वीडियोस को देखकर चीजों को एनालाइज करना है। अगर इसके साथ आप कोई बुक प्रेफर करना चाहे तो मेरा सजेशन है कि आप एनसीईआरटी में क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी और 11 12th अगर आप लेंगे तो आपके सिलेबस में केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्का दुक्का सवाल आपको मिलेगा लेकिन उसके लिए पूरी किताब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इक्का दुक्का सवाल इस सिलेबस में कवर हो चुका होगा, इसलिए आप केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ऐसी इकोनॉमिक्स जो किसी वृहद क्षेत्र के लिए, किसी राज्य या किसी राष्ट्र के लिए हम वहां पर उस अर्थव्यवस्था की या आर्थिक गतिविधियों की अध्ययन की बात करेंगे, हम कहते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पर ही फोकस करेंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई राइटर चाहिए तो आप मार्केट में जो भी होंगे उन्हें उठा सकते हैं, पर आप पहले मेरे नोट्स बनाएंगे, जो भी वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे पहले उन नोट्स को बेहतर तैयार कर लेना, उसके बाद एनसीईआरटी, मुझे गारंटी है कि उससे बियॉन्ड आपको ना तो पीटी में मिलेगा ना मेंस में। बाकी अगर आपको लगता है उसके बावजूद भी पढ़ना है तो किसी भी राइटर को आप उसमें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश के लिए, हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में आप अपने अकॉर्डिंग राइटर ले सकते हैं। वैसे आप अगर इसे कवर कर लेते हैं इन वीडियोस के तहत तो मैं बता दूं कि इससे बियॉन्ड आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, न ही इससे बियॉन्ड आपको सवाल मिलेंगे। एक टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। पहले तो इस बात का मैं मतलब समझा दूं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का मतलब आखिर क्या होता है। याद रखिए, इंक्लूजन मतलब शामिल करना। जब हम कहीं पर किसी को इंक्लूड करते हैं, प्रवेश करवाते हैं, शामिल करवाते हैं तो इसी को इंक्लूजन करते हैं। पर अगर हम उसे फाइनेंशियली शामिल कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वह वित्तीय समावेशन हो गया। पर यह इतना सरल भी नहीं है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है जब हम एक व्यवहारिक रूप से इसे समझे कि ऐसे व्यक्ति जो अभी तक किसी भी वित्तीय गतिविधि में समाविष्ट नहीं थे, जो वित्तीय गतिविधियों से दूर थे, हम अगर ऐसे व्यक्ति के पास वित्तीय सुविधाएं पहुंचा सके या उस व्यक्ति को वित्तीय सुविधाएं देना प्रारंभ कर दे तब हम कहेंगे कि हमने उसका वित्तीय समावेशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले भी इंक्लूजन होता था लेकिन अब इतना हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है क्योंकि खाते खोले गए, उसके बाद इसकी काफी चर्चा बढ़ी। वित्तीय समावेशन का मतलब मान लो जिनके पास अभी तक बैंकों में खाता नहीं था उनका खाता खुल गया तो हम कहेंगे कि उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, मतलब उसका भी वित्तीय समावेशन हो गया। लेकिन अगर आप एक वृहद दृष्टिकोण से देखना चाहें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को मैं चार बेसिस पर समझा सकता हूं। सबसे पहला कि उसके पास बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और बैंकिंग फैसिलिटी का मतलब आप समझेंगे कि उसे अपना पैसा जमा करने के लिए बैंक अकाउंट मिले, वह अपना पैसा जब चाहे तब निकालने के लिए एटीएम की सुविधा मिले, वो ट्रांजेक्शन करने के लिए नेट बैंकिंग की सुविधाओं से लेस हो या वो मोबाइल के तहत भी बैंकिंग के सुविधाओं का उपयोग कर सके। जब हम उसे के लिए बैंकिंग की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे तब हम कहेंगे कि यह वित्तीय समावेशन का पहला टारगेट पूरा हो सका है। पर वित्तीय समावेशन में बैंकिंग के साथ साथ दूसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है सुरक्षा, बीमा का मतलब होता है सेफ्टी। हम उसको सुरक्षा भी दे भविष्य की,
भविष्य की सुरक्षा इसलिए क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में वर्तमान तो सुरक्षित निश्चित होता है, लेकिन अगर उससे भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ तो वह आर्थिक गतिविधियां एक्चुअल डेवलपमेंट में हमारा योगदान नहीं निभा पाएगी। वो केवल ग्रोथ कर सकती है लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं बन सकती है, वो वृद्धि करवा सकती है लेकिन वो विकास नहीं करेगी। इसलिए वित्तीय समावेशन तभी माना जाए जब उसे बैंकिंग के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित मिल जाए। इसलिए बैंकों में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको वहां बीमा की सुविधाएं भी कई बार मुफ्त में मिल सकती हैं या मिल जाती हैं। इसलिए यह दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा अगर उसके पास किसी प्रकार का धन है और वह बैंक में जमा नहीं करना चाहता है और उसका इंश्योरेंस भी हो चुका है, तो वह धन किसी जगह निवेश करके भविष्य में अपनी आर्थिक जो क्रियाविधि है उनको बढ़ा सके, उसके विकल्प उसके पास होने चाहिए। जैसे कि वो शेयर मार्केट में निवेश कर ले, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड ले सके, जैसे कि वह किसी और जगह पर चिट फंड जैसी किसी योजनाओं में भी अपना निवेश कर सके। अगर ये सुविधा भी हम उसे दे पाए तब हम जाकर कहेंगे कि वहां पर वित्तीय समावेशन हो पाया है। और सबसे जरूरी अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट, मतलब आखिरी की बात होगी साख की। कहीं पर अगर किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता पड़ जाए, जहां एक्स्ट्रा था तो इन्वेस्टमेंट हुआ, जहां आवश्यकता थी वहां अगर हम उसे ऋण नहीं उपलब्ध करा पाए, उसे साख नहीं उपलब्ध करा पाए, तब भी हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का अभी भी वित्तीय समावेशन नहीं हो पाया। तो वित्तीय समावेशन बना होता है बैंकिंग फैसिलिटी से, इंश्योरेंस से, इन्वेस्टमेंट से और क्रेडिट साख की सुविधाओं से। जब ये चारों चीजें आप किसी व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं तब हम कहते हैं कि अब उस व्यक्ति का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है। पर यह बात कोई अभी की नहीं है। मैं आपको बताऊं कि वित्तीय समावेशन बहुत पुरानी घटना है और भारत में यह पहली बार तब हुई जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जब बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया तो राष्ट्रीयकरण पहला कदम था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, क्योंकि पहले बैंकों की जो अथॉरिटी या बैंकों का जो शेयर होल्डिंग था वो प्राइवेट लोगों के पास था, तो वे लोग शहरों तक सीमित थे, वे लोग कुछ एरिया तक सीमित थे। जरूरी था इसका हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, जरूरी था इसका शहरों से गांवों तक जाना, जरूरी था यहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ना। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर कहीं पूछा जाए तो यह भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पहला स्टेप था। मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो घटना वित्तीय समावेशन के लिए ही की गई थी। बीमा और कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो वह भी वित्तीय समावेशन का ही उदाहरण है। महिला बैंक की स्थापना हुई तो वह भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का उदाहरण है। जनधन खाते खोले गए वह भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का उदाहरण है। साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सारे उदाहरण फाइनेंशियल इंक्लूजन के हैं। इसी को इतना वृहद रूप अपने दिमाग में रखिएगा तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसी बात को समझा सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर हम ऐतिहासिक रूप से वर्तमान तक लेकर चले तब हमें स्टडीज में करनी पड़ेगी इतिहास क्या हुआ, अभी तक हमने क्या किया था, वर्तमान में क्या हुआ और अब इसमें हमें भविष्य में क्या करना है। ये आपको पूरी तरह से जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर करते हुए मिलेंगे। इसलिए इकोनॉमिक्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे नोट्स कवर करने के बाद बस एक ही काम करना, प्रीवियस ईयर में जितने इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आए हैं उन्हें एक बार सॉल्व कर लेना। इससे अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।